भैया पिताजी। शेर का शिकार करने के लिए शेर के बच्चे को बस में करना पड़ता है। तू फंस गया ना बजरंगी। बजरंगी, तू क्या समझता है ये तेरा पुत्र है? नहीं, तेरा पुत्र पैदा होते ही मर गया था। उसे मैंने ही मारा था। ये मेरे रक्त से उत्पन्न राक्षस है। पता है तुम्हें? चिरंजीवी जातस्तेना भयम् न मरणम्। सारे ग्रह जब एक ही दिशा में आए थे तब पैदा हुआ था। तेरी इच्छा के बिना मानव दानव पक्षी जानवर सर्प कीड़े कोई भी नहीं मार सकता तुझे, क्योंकि तू एक चिरंजीवी है, इच्छा मरण वाला है। इसीलिए ये अस्त्र लाया हुआ। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को सामने देखकर भी तेरी आंखों का तेज और तेरी हिम्मत अभी तक कम नहीं हो रही। हिम्मत उसे नहीं कहते जो हथियार को देखकर डर जाए। हिम्मत होती है मर्द के सीने में जो वो लेकर पैदा होता है। मर्द कभी डरता नहीं है, चाहे मौत सामने खड़ी हो। दे दिया है तुझे समाप्त करने के लिए। तेरे पुत्र को इसीलिए दिया है। मुक्ति दे दो इसको। मैंने तुझे क्या सिखाया था? चाहे तेरे सामने कोई भी क्यों ना हो, आंखों में आंखें डालकर तलवार उसके सीने में भोंकर आर पार कर देना चाहिए। मेरा बेटा पैदा होते ही मर गया था, यही कहा था ना? वो मरा नहीं है। ये रहा मेरा बेटा, मेरा प्यार, मेरी विद्या, मेरा सर्वस्व देकर इसे पाला है मैंने। ए, तू मुझे क्या मारेगा? तेरी जगह मेरा बेटा अगर मुझसे मेरी जान मांग लेता उसी वक्त मैं दे देता। राणा, तेरे दर्द को मैंने अपना दर्द माना। तुझे खुश देखकर मैं खुशी से झूम उठता, लेकिन आज तेरी आंखों के आंसू मेरे सीने को छलनी छलनी कर रहे हैं। अगर तुझे मुझ पर वार करना है तो यहां नहीं, यहां कर। तुझे मेरे प्राण ही चाहिए ना? Yeah.
अस्त्र नहीं है, बहुत सारे सम्राट चक्रवर्तियों की बलि लेने वाला वज्रास्त्र है। जितनी ज्यादा बलि उतनी ही शक्ति, खून से सने होने पर इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। मैं अपनी इच्छा से ये अस्त्र तुझे सौंप रहा, मुझे तपस्या पूरी करने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन मैं जरूर लौटूंगा। उस समय ये अस्त्र तुझे मेरे हवाले करना होगा। अगर ये अस्त्र कहीं खो गया तो सैकड़ों जन्म के बाद भी मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, न ही इसे रच पाऊंगा। विश्वास करके ये अस्त्र तुझे सौंप रहा हूँ। तुम इसे स्वेच्छा से लौटाओगे जब मैं वापस आऊंगा। करने वाले भगवान थे, आप हमारा सब कुछ छीन कर हम पर जुल्म कर रहे हैं। वो भगवान था, मैं शैतान हूँ।
कीजिए ना पिताजी। इनकी पूजा हमेशा कौन करता है तुम्हें पता है ना बेटा? रोज कृष्णा ही इनकी पूजा क्यों करती है? कृष्णा हमारे जैसे साधारण इंसान नहीं है बेटा, वो नृत्य में मेनका की तरह है, गायकों में गंधर्व की तरह है। उसके स्पर्श मात्र से सारे रोगों का निवारण हो जाता है, ऐसी संजीवनी शक्ति है उसमें बेटा। उसके खून के कण कण में श्री कृष्ण परमात्मा बसे हैं बेटा, वो आम नारी नहीं है, वो देव कन्या है, देव कन्या। जाओ ने बुला लाओ। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बेटा, ओह, चोट लग गई है, दर्द हो रहा है क्या? अभी ठीक हो जाएगा।